संगीता डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी ऐसी है ना कि जो हमारे घुटने में, हमारे कमर में, जो हमारे पूरे बोन्स में जो दर्द होते हैं वो छू मंतर हो जाएंगे सिर्फ एक चम्मच सीक्रेट चीज डालने से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध, जो कि यहाँ पे मैंने गर्म दूध लिया है। आप सिंपल दूध भी ले सकते हैं, ये अभी अभी मैंने गर्म किया है। तो दूध हमें उबालना ही पड़ है, तो इसीलिए आप ठंडा दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर दिया है और दूध को हम सबसे पहले उबलने देंगे। तो दूध यहाँ पे उबलने लग गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे ये खसखस के दाने, जो कि हल्के से रोस्टेड किए हुए लिया है मैंने। तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, एक चम्मच छोटा चम्मच का हम डाल देंगे और चलाते हुए हम पकाएंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ खजूर, जो सूखे वाले खजूर होते हैं आप उसके पाउडर भी ले सकते हैं, नेट पे पाउडर भी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों, जो हमारी हड्डियों में बहुत कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से पकाकर आप लेंगे तो फटाफट से हमें आराम हो जाएगा। तो हमें कम से कम 2 से 4 मिनट तक हमें उबाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से चलाते हुए मैंने पकाया है और अभी हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी चीनी। ये धागे वाली जो चीनी होती है ना उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास इस समय पे अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो मैं ये वाली चीनी थोड़ा सा डाल रही हूँ। और वैसे तो इस रेसिपी में धागे वाली चीनी का यूज़ ही किया जाता है, आप धागे वाली चीनी ही डालिएगा। तो जो वो धागे वाली आती है ना, मिश्री भी कहते हैं और चीनी भी कहते हैं, उसे मोटी चीनी कहते हैं, मिश्री कहते हैं, जो मोटा वाला आता है जो धागे में बनाया जाता है वो प्योर होता है बिल्कुल, तो आप उसका यूज़ भी करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो अब देखिए हमारा दूध बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से पक गया है, तो अभी हम ठंडा होने देते हैं फिर हम सर्विंग करेंगे। तो दोस्तों दूध हमारा ठंडा हो गया है और अभी हम पलट लेते हैं। और जो हमारे डेट्स है वो भी हम डाल देंगे। और गुड़ का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, गुड़ डालेंगे तो हमारा जो दूध है वो खराब हो जाएगा, फट भी सकता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ और थोड़े से बादाम की कतरन है। तो ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों, 80 से 90 साल तक के बुजुर्ग भी पी सकते हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी है ये, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।